हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ, सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, हम लोग आज सोलर पैनल के बारे में जानने वाले हैं। जो सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर है इंडिया में और ग्लोबल लेवल पे, इनके बारे में जानने वाले हैं। कौन पैनल टॉप में आते हैं, जो टॉप 10 इंडिया के जानेंगे और टॉप 24 ग्लोबल लेवल पर जानेंगे। टॉपिक देख रहे हो, तीन टॉपिक पर बात करने वाले हम। ये जो आप फर्स्ट टॉपिक देख रहे हो, टॉप 10 सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर इन इंडिया 19 का है, ये डेटा शीट हम देखने वाले हैं। दूसरा है टॉप सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर ग्लोबल लेवल पे, जो 19 का मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। और तीसरा टॉपिक पे बात करने वाले हम टॉप 10 सोलर पैनल क्वालिटी वाइज, मतलब जो अच्छे क्वालिटी का सोलर पैनल है उसमें बात करने वाले हम। जो फर्स्ट सेकेंड टॉपिक देख रहे हो आप, ये दोनों टॉपिक, इन दोनों टॉपिक पे तो बाई मैन्युफैक्चरर क्वांटिटी पे आएगा और ये क्वालिटी पे, तो क्वालिटी वाइज भी हम देखेंगे और क्वांटिटी वाइज भी देखेंगे कि सबसे अच्छा पैनल कौन सा है। तो जो अच्छा पैनल है उस पर भी बात करने वाले, थर्ड नंबर जो देख रहे हो तो इस पर भी बात करने वाले कि अच्छा पैनल कौन सा है। स्टार्ट करने से पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो आने वाला जितने वीडियो हैं आपको मिलता रहे, ठीक है। इससे पहले भी हमने बहुत सारा वीडियो अपलोड कर रखा है, आप उसको भी देख सकते हो, अच्छे अच्छे वीडियो हमने अपलोड कर रखे हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमने रैंक डाल रखा है, 1 से 10 तक रैंक है ये। फिर ब्रांड, कौन सा ब्रांड का सोलर पैनल है और उस मैन्युफैक्चरर या ब्रांड या मैन्युफैक्चरर बोल लो आप। फिर उस ब्रांड का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो रहेगा उन पे बात करेंगे, इन मेगावाट में, मतलब कितने मेगावाट का कैपेसिटी है उस ब्रांड का, इस पे बात करने वाले हैं। पहले नंबर पे आता है विक्रम सोलर, जो कि 500 मेगावाट इसका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। फर्स्ट नंबर में एक और आता है वारी सोलर, दोनों फर्स्ट में मैंने रखा है, ये जो देख पा रहे हो दोनों फर्स्ट में रखा है, क्योंकि दोनों का 500 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, वारी का भी और विक्रम का भी। देख पा रहे हो गोल्डी ग्रीन सोलर पैनल जो है, 450 मेगावाट का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इनका। तो आप शायद नाम ना सुना हो, पर ये 450 मेगावाट का इनका इंस्टॉल कैपेसिटी है। थर्ड नंबर में आता है ये जो देख रहे हो आप, ये टाटा सोलर, 300 मेगावाट का इनका, यहाँ देख पा रहे हो आप टाटा का 300 मेगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी है। फोर्थ नंबर में आता है मोजरवेयर, ऐसे ही बहुत सारे जो कंपनी है आप देख पा रहे हो, इतने सारे कंपनी टॉप 10 में आते हैं, जो बाई मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी वाइज, ये क्वांटिटी इतने मेगावाट का इंस्टॉल कैपेसिटी है सभी कंपनी का, ठीक है। ये क्वांटिटी वाइज और भी बहुत ऐसे सोलर पैनल कंपनी है इंडिया में, जैसे और भी देख लो, कोटक सोलर, लूमनस, तो ये इनमें नहीं आते हैं। के बाद सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इसके बाद जो पॉइंट था ग्लोबल लेवल पे, तो ग्लोबल लेवल पे मैं सारे कंट्री का नाम दे रखा हूँ, यहाँ से यहाँ तक आप देख पा रहे हो, ये कंट्री वाइज है और जो मैन्युफैक्चरर है कंपनी का नाम है। यहाँ पे आप देख पाओगे टॉप 10 में, 1 से लेकर 10 तक, टॉप 10 तक, यहाँ जो देख रहे हो 10, ये 10 तक सिर्फ एक ही कंपनी है इंडिया का, वो है इंडिया का एक ही कंपनी है और वो है विक्रम सोलर, टॉप 10 में आता है। इतने कंट्री देख रहे हो, क्वांटिटी वाइज टॉप में आते हैं, क्वालिटी वाइज नहीं, क्वांटिटी वाइज। आप देख पा रहे हो टॉप 10 में चाइना का ही, आप देख पा रहे हो मैक्सिमम कंपनी है जो चाइना का ही है, ये देख पा रहे हो 8 कंपनी सिर्फ चाइना का है, देख पा रहे हो। और यहाँ तक 14 कंपनी हमने देखा, बहुत सारे कंट्री का है, साउथ कोरिया का भी है। अब अगला देखते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो 24 कंपनी लिया, उसमें से इंडिया का सिर्फ 2 हम देख पा रहे हैं, एक वारी यहाँ पे, और इससे पहले हमने देखा था 10वें नंबर पे विक्रम सोलर। तो इंडिया का टॉप 24 में इंडिया का सिर्फ 2 ही कंपनी आ पा रहा है, वारी और विक्रम। तो ये हमने देखा क्वांटिटी वाइज सोलर पैनल जो मैन्युफैक्चरिंग करती है इंडिया पे और ग्लोबल लेवल पे। ग्लोबल लेवल पे इतने सारे कंट्री है, जैसे LG का, LG जो आप कंपनी देखते हो वो LG साउथ कोरिया का है, यहाँ भी आप देख पा रहे हो, ये देखो LG भी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ज़्यादातर आप देख पा रहे हो चाइना का, और ग्लोबल लेवल पे 60% अकेला चाइना एक्सपोर्ट करती है, पूरे ग्लोबल में अकेला सिर्फ चाइना ही 60% एक्सपोर्ट करती है सोलर पैनल। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड पॉइंट जो हमने देखा था, टॉप सोलर पैनल बाय क्वालिटी वाइज। तो बाय क्वालिटी वाइज हम देखते हैं इंडिया में कि कौन सा टॉप पे आता है। तो टॉप में जो टाटा सोलर है, ये टाटा जो पावर, टाटा पावर सोलर आप देख पा रहे हो, ये टॉप में आता है इंडिया में, सबसे टॉप में इसलिए आता है क्योंकि ये अपना जो क्वालिटी है, जो पैनल का जो क्वालिटी है सबसे अच्छा रखता है टाटा, क्योंकि जाहिर सी बात है टाटा बहुत पुरानी कंपनी और बहुत बड़ी कंपनी है। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, अच्छे पैनल मैन्युफैक्चरिंग करती है,
क्वालिटी अच्छी रखती है इसका, और मैंने इसे नंबर वन पे रखा है इसको, टाटा को। इसके बाद सेकंड में आता है एम्पल्स एनर्जी। जो एम्पल्स एनर्जी है ये सेकंड में आता है, ये भी अच्छा पैनल मैन्युफैक्चरिंग करती है, इसलिए मैंने इसे सेकंड नंबर पे दिया। थर्ड नंबर में देखते हैं अजूर सोलर। अजूर पावर जो है, इसका जो सोलर पैनल होता है इसका भी थर्ड नंबर पे मैंने रैंकिंग में दिया, इसे रखा है। ये भी अच्छा पैनल मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है। तो इसका पैनल भी अच्छा क्वालिटी वाइज, भाई मैं ये क्वांटिटी नहीं क्वालिटी वाइज बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ नंबर में आता है लूम सोलर। आपने शायद इसका नाम सुन रखे होंगे, लूम सोलर का। तो ये भी अच्छा पैनल मैन्युफैक्चरिंग करती है, इसलिए इसको मैंने फोर्थ नंबर में रखा है लूम सोलर को, ठीक है। वैसे ही फिफ्थ नंबर पे आप देख पा रहे हो मोजर वेयर का। मोजर वेयर भी अच्छा सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग करती है, मैंने इसे फिफ्थ नंबर में दिया। उसके बाद कोटक सोलर, मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले कि कोटक लुमिनस ये भी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग करती है। कोटक भी अच्छा पैनल मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो आप इसका भी ले सकते हो। देखो आप सेवंथ नंबर में आता है फोटोन एनर्जी। ये फोटोन एनर्जी भी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग करती है और अच्छा पैनल बनाती है ये, आप इसका भी ले सकते हो फोटोन एनर्जी का। और वैसे बता दूं मैं, फोटोन जो है ये फोटोन सन के द्वारा जो एनर्जी आता है उस वो जिस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं वो एनर्जी भी फोटोन एनर्जी होता है, उन्हीं के नाम पर ये नाम रखा है फोटोन एनर्जी। और आठवां नंबर पे हम जैसे देख लेते हैं वारी। तो वारी सोलर भी अच्छा पैनल मैन्युफैक्चरिंग करती है, इसको मैंने आठवें नंबर पे रखा है वारी को। और विक्रम को रखा है हमने, विक्रम सोलर को नवें नंबर पे। और दसवें नंबर पे हम रखा है एचएचबी जो सोलर पैनल है, तो इसको मैंने दसवें नंबर पे रखा है। तो ये टॉप सोलर पैनल आपने देखा भाई, ये जो टॉप सोलर पैनल आप देख रहे हो ये क्वालिटी वाइज है, मतलब सबसे अच्छा पैनल क्वालिटी वाइज। आप जब आप अगर डिमांड करो कि अच्छा पैनल कौन, तो अच्छा पैनल सबसे बेस्ट है टाटा। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ, टाटा जो है ये आप देख पा रहे हो, टाटा जो है ये पैनल मैन्युफैक्चरिंग तो अच्छा करती है, बट इनका कॉस्ट भी बाकी पैनल से ज़्यादा होता है। मतलब आप जब परचेज करोगे तो ज़्यादा कॉस्ट है इनमें, मतलब 5 से लेके 15% तक ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है आपको टाटा सोलर पे। इसका अगर पैनल लेते हो आप, तो कॉस्ट जाहिर सी बात अच्छा क्वालिटी देगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगा, और कॉस्ट इसका सबसे ज़्यादा, बाकी सबसे ज़्यादा कॉस्ट भी इसी का है, ठीक है। अगर आपको कॉस्ट का प्रॉब्लम नहीं है तो टाटा का पैनल ले सकते हो, बहुत अच्छा पैनल बनाती है ये, ठीक है। नहीं तो बाकी सबका, इन सब पे पैनल भी ले सकते हो आप, ये जो देख रहे हो मोजर वेयर कोटक, ठीक है। तो आपने तीन टॉपिक पे देखा कि टॉप सोलर पैनल क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज। वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, और इन सारे कंपनी में से आप कौन से कंपनी का सोलर पैनल लगा रखे और या फिर लगाना चाहते हो, तो ये कमेंट करना आप मुझे, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो आप, क्योंकि आने वाला वीडियो, अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो के एंड में चार वीडियो सजेशन में रहेंगे, आप उसको भी क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए